रूपा जी, कल को हमने देखा कि कृषि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार के दिन कृषि फसलों के लिए वायदा बाजार के लिए काफी बड़ा दिन रहा था, काफी झटका वाला दिन रहा था। सेबी ने काफी कम्युनिटीज पर बैन लगा दिया है, उनमें से रिफाइंड सोया तेल भी एक है। गेहूं, चावल, काफी सारी कम्युनिटीज पर सेबी ने बैन लगा दिया, वो भी पूरे एक साल के लिए। हमने कम्युनिटी बाजार को डूबते हुए भी देखा, आज देख रहे हैं वही रुख आज भी कायम है। और ये भी खबरें हैं कि खाद्य तेल पर यानी कि जैसे पामोलिन हुआ, आरबीडी हुआ, इनकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 12.5% कर दी गई है घटाकर। आपको क्या लगता है, खाद्य तेलों में अभी गिरावट बनी रहेगी या फिर यहाँ से कुछ तेजी भी बनेगी? रहा और सभी खाद्य तेल कल की खबर के बाद से लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं, चाहे वो कैस्टर्ड हो या फिर सोयाबीन हो, रिफाइंड हो, सब में गिरावट बनते हुए दिखाई दी और ऊपरी स्तरों से बाजार फिसले हैं। लेकिन आज हल्की रिकवरी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल जरूर दिखा रहा है, लेकिन सोयाबीन में आज भी 1% से ज्यादा की गिरावट है। अभी बाजार जो है देखिए धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरीके की सरकार के फैसले के बाद जो ट्रेडर्स का जो आप कह सकते हैं कि ट्रस्ट जो है वायदा बाजारों से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी हमने सोयाबीन के अंदर एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए देखा था, 6500 के आसपास जो सोयाबीन कारोबार कर रही थी आज वो 6000 के नीचे है। यानी अब यहाँ से सेंटीमेंट वीक हो गया है और 5800-5600 तक के भी लेवल हो सकता है सोयाबीन अब जनवरी वायदा में दिखाती हुई नजर आए। क्योंकि अभी जब जिस तरीके से सरकार ने एक साल के लिए कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स पे रोक लगा दिया और फिलहाल कोई नई एंट्री जो है वो ट्रेड भी नहीं हो पाएगा, जिनके पहले के सौदे खड़े हैं सिर्फ उन्हीं को ही स्केयर ऑफ करने की जो है अनुमति दी गई है। तो इसका इम्पैक्ट यही है कि मार्केट अभी फिलहाल डाउनसाइड है और अभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर ओवरऑल जो है ट्रेंड वो नेगेटिव बन चुका है और यहाँ से फिलहाल बाजार लुढ़कते हुए दिखाई देंगे। अभी कोई सस्टेनेबिलिटी भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, उधर से ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अभी फिलहाल एक बार फिर से नेगेटिव सेंटिमेंट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए अगर जनवरी वायदा में सोयाबीन की स्पेशली बात करें तो सोयाबीन 5800 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करें तो वो भी 1120 से लेकर 1160 की मैक्सिमम अपसाइड पकड़ सकता है। तो कोई बहुत ज्यादा अभी फिलहाल तेजी का मूवमेंट नहीं है, अभी सभी कमोडिटीज के अंदर ऊपरी स्तरों पर एक बार दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, स्पेशली एडिबल ऑयल पैक के अंदर। जी रूपा जी, जैसा आपने अभी बताया कि सोयाबीन में भी नेगेटिव ट्रेंड बनता नजर आ सकता है और वो हम देख भी रहे हैं कि 6000 के ऊपर जो सोयाबीन ट्रेड करती नजर आई थी अब वो 5900 के लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है। रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अब यहां से फिर से जो चाबी है वो हाजिर बाजारों में देखने को मिलेगी या फिर किसानों के फिर से तेजी बना सकते हैं? अगर किसान यहाँ से अपनी सोयाबीन एक बार फिर से होल्ड करनी शुरू कर देते हैं तो क्या लगता है, क्या यहाँ से तेजी बनती नजर आ पाएगी फिर से? देखिए अब तेजी बनेगी ये अभी आगे कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी ट्रेंड तो नेगेटिव हो चुका है। अगर फार्मर्स रोक भी लेते हैं माल को और मार्केट में माल नहीं आता तो फिर इंपोर्ट को लेकर हो सकता है कि कुछ अपडेट निकल कर आ जाए और फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे। लेकिन अभी फिलहाल जो सेंटिमेंट है वो वीक हो चुका है और अभी फिलहाल सोयाबीन के अंदर जो डाउन साइड है वो 5800 तक दिखाई दे रहा है। एक बार बाजार 5800 तक लुढ़केंगे और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी अगर आएगी तो मे बी 6000 तक ऊपर पकड़ ले मार्केट। लेकिन अभी जो ट्रेंड है अभी मुझे लगता है ये वाला वीक तो फिलहाल प्रेशर वाला ले सकता है, जिसके चलते 5800 से 5600 का स्तर आप मान के चलिए कि एक बार देखने को मिल सकता है। जी